इसराइल के तेल अविव एयरपोर्ट पर एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। जंग के हालातों के बीच कई फ्लाइट्स कैंसिल, एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है सन्नाटा। प्रधानमंत्री मोदी ने की इसराइल के पीएम से फोन पर बातचीत, कहा मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान इसराइल के साथ खड़ा है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की करता है निंदा। इसराइल में फंसे 9-10 हजार भारतीय, भारतीयों की वतन वापसी के लिए किए जा रहे प्रयास, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में जुटाई जा रही जानकारी। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने लिखा सीएम योगी को पत्र, आवास के समर्थन में रैली निकालने वाले एएमयू के छात्रों पर कार्रवाई की बात। हिमाचल प्रदेश में रह रहे इसराइल के लोग परेशान, अपने वतन लौटने लगे लोग, अब तक कई परिवारों की हुई वतन वापसी। अभिनेत्री मधुरा नाइक बताई इसराइल की आप बीती, उन्होंने बताई हमले में चचेरी बहन और जीजा की फिलिस्तीन आतंकवादियों ने की बेरहमी से हत्या। इसराइल से लौटने के बाद अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने बताई आप बीती, जान बचाने के लिए बेसमेंट में लेने पड़ी थी शरण, घर लौटकर पता चला भारत में लोग कितने सुरक्षित। एमपी के शहडोल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा पीएम मोदी आदिवासियों की बात करते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं करते, अगर सम्मान करते तो जाति जनगणना जरूर करवाते। शहडोल में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं जिनमें से 3 ओबीसी अफसर हैं, ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5% बजट का फैसला लेते हैं। गुवाहाटी में AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल के निशाने पर बीजेपी, कहा कि 3 तलाक समेत सभी मुद्दों का मकसद मुसलमान को टारगेट करना। यूपी के संभल में एसपी नेता शफीकुर रहमान बर्क ने जाति जनगणना का किया समर्थन, का इससे पिछड़े और मुसलमानों को होगा फायदा। पटना में सम्राट चौधरी के बयान पर बरसे तेज प्रताप, कहा शकुनी मामा के बेटे हैं सम्राट चौधरी जिन्होंने महाभारत कराई, जिनकी कोई हैसियत नहीं। बिहार में हुई जाति जनगणना पर जीतन राम मांझी ने उठाए सवाल, कहा जनगणना में 85% खामियां, पहले नीतीश सरकार कैबिनेट में जाति जनगणना सही से लागू कर। कांग्रेस के जाति जनगणना की घोषणा पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आजादी के बाद अब तक कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई जाति जनगणना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश में डर का माहौल बना रही बीजेपी, व्यापारी देश को छोड़कर जा रहे हैं, व्यापारियों के लिए आप कर रही है काम। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करेगी शिंदे सरकार, योजना के तहत बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 5,000 रुपए, 18 साल की उम्र होने पर मिलेंगे 1 लाख। एशियन गेम्स में मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने बात की, उनसे मुलाकात की, कहा मुझे गर्व है कि सबसे ज्यादा मेडल्स भारत ने जीते हैं, विदेश में दिखाई दिया नारी शक्ति का दम। एशियन गेम्स के एथलीट्स को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया, कहा हमारे खिलाड़ियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इतिहास में पहली बार भारत ने जीते सबसे ज्यादा मेडल्स। महाराष्ट्र में टोल प्लाजा पर बवाल, छोटी गाड़ियों से टोल वसूलने के विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुलुंड में टोल बूथ पर लगाया। मुंबई में फिर गरमाया गुजराती और मराठी विवाद, घाट कोपर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुजराती भाषा में लगे बोर्ड को तोड़ा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। कोलकाता में रेप और मर्डर केस में हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी किया, विरोध में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। कामधुनी बलात्कार मामले में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला, कहा कि रेप आरोपियों को संरक्षण दे रही है ममता सरकार, सीआईडी ने मामले में छूट। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार पर लगाए सिक्किम को अनदेखा करने का आरोप, कहा मोदी सरकार सिक्किम की जमीन पर सक्रिय नहीं है, एनडीआरएफ के पहुंचने में हो रही है देर। मुंबई में बीजेपी नेता नितेश राणे का बड़ा बयान, दांडिया महोत्सव में शामिल होने वाले का चेक किया जाए आधार कार्ड, जो हिंदू नहीं उसे ना मिले एंट्री। आज दिल्ली में पीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक, सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, लगभग 4200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण, पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड और आदि कैलाश पर्वत पर करेंगे दर्शन पूजन। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर सीएम धामी का ट्वीट, कहा देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, बागेश्वर धाम और आदि कैलाश में पधार रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का सीएम धामी ने लिया जायजा, पिथौरागढ़ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, बीजेपी अधिकारियों के साथ दौरे को सफल बनाने पर चर्चा। आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, एक जनसभा को करेंगे संबोधित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में वो जाएंगे।
जम्मू कश्मीर के पहले दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। विश्वविद्यालय में छात्रों को बांटी जाएंगी डिग्रियां। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर बोले सीएम गहलोत, कहा कि सरकार बदलने से होता है नुकसान, सरकार बदलती है तो सारी योजनाएं हो जाती हैं बंद। भोपाल में आचार संहिता लागू होने को लेकर कमलनाथ का बीजेपी पर तंज, कहा झूठी घोषणाओं की मशीन बंद होने से एक वर्ग दुखी है। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव पर सीएम धामी ने किया जीत का दावा, कहा जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है, प्रदेश का विकास चाहती है। तेलंगाना के आदिलाबाद में केसीआर और कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, कहा केसीआर बेटे को बनाना चाहते हैं सीएम, 3 दिसंबर को मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। हैदराबाद में केटीआर का बीजेपी पर तंज, कहा पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने शुरू की जुमलेबाजी, तेलंगाना में 110 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की होगी जमानत जब्त। तेलंगाना में बीआरडी एमएलसी के कविता पर राहुल का तंज, कहा भ्रम में जी रहे राहुल गांधी, तेलंगाना में एक बार फिर बनेगी केसीआर के नेतृत्व में सरकार। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर बोली राजस्थान की कांग्रेस प्रभारी अमृता धवन, कहा गहलोत के काम से जनता बेहद खुश, एग्जिट पोल में बदलेंगे ओपिनियन पोल के आंकड़े। 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, मंडला के रामनगर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। गोरखपुर में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी, बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। पटना में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का इंडिया गठबंधन पर तंज, कहा कि आपस में लड़ रहा है गठबंधन, बिना दूल्हे के बारात निकालने की तैयारी, 2024 में पीएम मोदी का और कोई विकल्प नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान आपके समर्थन में भोपाल में करेंगे रोड शो, आज चुरहट और रीवा में, कल मान सिरमौर और मऊगंज में करेंगे रैली। एमपी के सीएम शिवराज ने ऋषिकेश में संत समाज के लिए आशीर्वाद, गंगा के किनारे शिवराज का वक्त गुजारते वीडियो वायरल। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ उम्मीदवार चयन पर चर्चा हुई, जल्द उम्मीदवारों की घोषणा। दिल्ली में आप विधायक शोएब इकबाल का बयान, अरविंद केजरीवाल बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, अपने कामों की वजह से केजरीवाल तीसरी बार बने सीएम। टिकट बंटवारे से पहले राजस्थान में डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस, कांग्रेस से प्रभारी रंजीत रंजन ने बीकानेर में पार्टी पदाधिकारियों से संवाद किया। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी पर सीएम गहलोत का तंज, कहा कि पीएम बार बार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चुनाव के बाद क्या पीएम मोदी कॉलेज खोलेंगे, सड़कें बनवाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा, सीसी की बैठक में नामों पर लगेगी मुहर। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज पूरी हो सकती है सुनवाई, 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग। शिवसेना के नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को आवंटित करने का मामला, उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने तलब, फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद, बागपत में चल रही थी फैक्ट्री। बरेली में महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप, दो नंदोई पर गैंगरेप का आरोप लगाया, महिला की शिकायत पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। कुशीनगर में ग्रामीणों ने नाबालिग और महिला को दी तालिबानी सजा, पिटाई के बाद काटे बाल, बचलर होने के आरोप में घसीटते हुए ग्राम प्रधान के पास ले गए लोग। अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम को किया गया बदायूं जेल में शिफ्ट, सद्दाम को एसटीएफ ने दिल्ली से किया था गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में केनरा बैंक लूट की कोशिश, बैंक खुलते ही पहुंचे हथियारबंद 5 लुटेरे, विरोध करने पर चपरासी को मारी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा, बलमे में दबकर एक मजदूर की मौत, 3 मजदूर घायल, कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मुरादाबाद में तालाब से मिला 500 के नोटों से भरा थैला, मछली पकड़ते समय मछुआरों को मिला नोट, पुलिस को भनक लगने पर सभी को थाने बुलाया गया। बुलंदशहर में अवैध रूप से बरसाई जा रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर, भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के आवास के सामने हो रही थी प्लॉटिंग। मुरादाबाद जिला अस्पताल में कुत्ते का चाय पीते वीडियो वायरल, इमरजेंसी वार्ड में मरीज के लिए आई चाय की चुस्की लेता दिखाई दिया कुत्ता। प्रयागराज में दशहरे को लेकर तैयारियां, रामलीला के मंचन से पहले निकाली गई रावण की शोभा यात्रा, शोभा यात्रा के साथ ही दशहरा उत्सव शुरू।